हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। ठीक, तो हम लोग पिछले लेक्चर तक बात कर चुके थे आवृत बीजियों की वर्गीकरण की। अब इसमें बात करते हैं हम लोग पादप कार्य की। ठीक, तो शुरू करते हैं। परासरण क्या है? अर्ध परागम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। फिर अगला है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर सिकुड़ क्यों जाती है? बाह्य परासरण द्वारा जल बाहर निकलने के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है? तो याद रखिए, हाइपरटोनिक। अगला है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब इसमें किसमें रखी जाती है? एक अल्प पराशयी विलयन में। बीज क्यों फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं? अंतरा शोषण के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में क्यों फूल जाते हैं? अंतरा शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण क्यों बनते हैं? बाह्य परासरण के कारण। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है 16। धान का खैरा रोग या लघु पत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आपको याद रखना है जस्ता। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो एमओ के कारण। पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम Mg। पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? सभी वायवीय भागों में। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। आगे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? सूर्य के विकास द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। आगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? हरे रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन से हैं? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन है? फोटोमीटर। पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरे पौधे में। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है क्या होता है? निम्न नमी व उच्च तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। आगे बात करते हैं। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनेशक फल प्राप्त होता है? ऑक्सिन। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिबरेलिन। आगे बात करते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, तो ये पादप कोशिका हो गई, एक जंतु कोशिका। पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका भित्ति में भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरिम पाया जाता है। जंतुओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में सेंटोसोम नहीं पाया जाता है।
जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट ताराशय रचना सेंटोसोम होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। पादप कोशिका में प्रायः लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाई जाती है। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तता होती है, जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तता नहीं होती है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, मैग्नीशियम। अब बात कर लेते हैं कुछ उपयोगी हार्मोन उनके कार्य के बारे में। ऑक्सिन, इसका कार्य कोशिका विवर्धन में अंग्रीय प्रभाविकता, जड़ निर्माण विलगन कम करने में, फलों के निर्माण में। फिर है जिब्रेलिन, कवक जिब्रेला फ्यूजिकोई द्वारा प्राप्त, वंशागत बौनी प्रजातियों के तने को लंबा करने में, बीजों की प्रसुप्ति समाप्त करने व अंकुरण में, कलिकाओं की प्रसुप्ति समाप्त करने, फल निर्माण पर नियंत्रण। फिर है साइटोकाइनिन, कोशिकीय विभाजन व विभेदन को प्रेरित करना, अग्रीय प्रभाविकता का प्रतिरोध करना, जीर्णता का विलंबन, विसुप्तता से जागरण। फिर है एथिलीन, एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक है। फलों को पकाने में एथिलीन का उपयोग, तना की लंबाई में वृद्धि, नर पुष्पों का विकास, अन्नास में पुष्पन को प्रेरित करने हेतु, रबड़ के पौधों से लेटेक्स के प्रवाह को प्रेरित करने हेतु। ठीक, आगे बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल या ABA, एक टर्पिनाइड और वृद्धि संधमक है। संवहनी विधा में समसूत्री विभाजन को संधमित करना, बीजों और कलियों में अंकुरण को रोकना, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करना है इसका कार्य। आगे बात करते हैं सर्वाधिक विकास संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन है, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल से। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, ग्लूकोज। एक जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है, श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, रेस्पिरोमीटर। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निम्नलिखित किसके द्वारा मुक्त होती है, श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि वृक्ष रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। ATP का क्या अभिप्राय है, एडिनासिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के बेलगन में मुख्य भूमिका निभाता है, एब्सिसिक एसिड। फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। ऑक्सिन क्या होते हैं, वृद्धि हार्मोन। जिब्रेलिन किसके पृथक किया गया है, एक कवक से। अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, एथाइल एल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल। ठीक है, आगे बात करते हैं भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं क्यों नहीं होते, इन्हें वायु नहीं मिल पाती। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या है, माइटोकांड्रिया। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरूविक अम्ल।
कौन एक पादक हार्मोन है? ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीन। 2-4-D क्या है? खरपतवार नाशी। एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सीन। स्पेस स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा क्यों जाती हैं? पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए पिरोह का मुड़ना क्या कहलाता है? हीलियोटोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के पितान का लिपटना किसका अच्छा उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन का। सन ड्यू तथा वीनस फ्लाई टैप कीट भक्षी पौधे में कौन सी गति होती है? स्पर्शानुकुंजनी गति। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप विधि अनुमानपन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जोड़ा है? जे सी बॉस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वृद्धि के मापने में। पौधे में वृद्धि कब होती है? जीवन पर्यंत। समय व आकार के अंतर में होने वाली वृद्धि के ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम। पौधों को वृद्धि गतियां जो विकास उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोटोपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादक गति क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति। छुईमुई की पत्ती गति कैसी होती है? कंपानुकुंचन। अब बात करते हैं विभिन्न तत्व, उनके स्रोत और कार न्यूनता के लक्षण। ठीक, नाइट्रोजन NO2, NO3 या NH4+। प्रोटीन न्यूक्लियर अम्ल हार्मोन विटामिन हरित लवक तथा ATP के निर्माण में। न्यूनता से लक्षण हरीमहीनता तथा स्तंभित वृद्धि। कैल्शियम रंध्र के घुलने तथा बंद होने की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान। कोशिका की स्थिति बनाए रखने में, प्रोटीन संश्लेषण में, रडायन में संतुलन बनाए रखने में। पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाने, उत्तर कक्षीय क्षेत्र बनते पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं तथा तना कमजोर हो जाता है। प्रेपोटीशियम H2PO4-। कोशिका झिल्ली प्रोटीन न्यूक्लियर अम्ल आदि मुख्य अवयव। वृद्धि निरुद्ध हो जाती है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं, समय से पहले सूख जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर है कैल्शियम Ca2+। झिल्ली की विभेदी पारगम्यता बनाए रखने में, कुछ एंजाइम्स को क्रियाशील करने में तथा मिडिल लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसकी न्यूनता से होता है स्तंभित वृद्धि, युवा पत्तियां रुक जाना, पौधे स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं। फिर मैग्नीशियम, इसमें फॉस्फेट उपापचय में एंजाइम्स क्रियाशील करने के लिए राइबोसोम को जोड़ने में पर्णहरिम का मुख्य अवयव। हरीमहीनता इसकी न्यूनता के लक्षण, उत्तकक्षीय क्षेत्र एंथोसाइनिन का बनना। फिर है हमारा सल्फर, स्रोत है इसका SO2+। प्रोटीन विटामिन फेरोडॉक्सिन आदि का मुख्य घटक। नई पत्तियों में हरीमहीनता, तना सख्त, मूल तंत्र अधिक विकसित होते हैं।
आंसर है हमारा आयरन। फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम आदि में कैटालेज एंजाइम्स को क्रियाशील करने में तथा क्लोरोफिल के संश्लेषण। हरीमहीनता, सिराएं गहरे हरे रंग की, वित्तीय वृंत छोटे, क्लोरोफिल नहीं बनता है इसकी कमी के कारण। फिर है हमारा अगला मैग्नीज। कार्बो इसकी इसका कार्य क्या है? कार्बो किसी लेज एंजाइम को क्रियाशील करने में इसकी कमी होती है, तो क्या होता है? हरीमहीनता तथा ऊतक कक्षीय क्षेत्र क्लोरोफिल नहीं बनता। फिर है हमारा अगला ब्रोन। बोरोन इसकी कार्य परागकणों के अंकुरण में, कोशिका विभेदन में, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। इसकी कमी से ब्राउन हार्ट रोग, शिखाग्र काले पत्तियां, तामक तथा भंगुर हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना। फिर है कॉपर। एंजाइम क्रियाशीलता में होता है इसका उपयोग, और इसकी कमी से शीश उत्कक्षीय पाइरोहाइड बैक रोग होता है। फिर है हमारा जिंक। ऑक्सीजन संश्लेषण में होता है इसका उपयोग, और इसकी हीनता से पत्ती हरीमहीन विकृत परत छोटे पुष्पन निरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर क्लोरीन। Na+ K+ कि धनायन तथा ऋणायन संतुलन बनाए रखने में, विकास संश्लेषण में ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया। जड़ें छोटी होती हैं इसकी हीनता से, पत्तियां हरीम हीन हो जाती हैं, ऊतक कक्षीय क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, आगे कुछ बात कर लेते हैं। अफीम पौध पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल से। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सहचारी कौन सा है? नील हरित शैवाल। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरे पौधे में किसकी उपस्थिति से भोजन बनते हैं? सूर्य का विकास। आभासी फल का कौन सा एक उदाहरण है? सेब। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। विकास संश्लेषण किसमें संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। शकरकंद का कंद जड़ का रूपांतरण अथवा तने का जड़ का। अरबी का घन कंद जड़ का रूपांतरण अथवा तने का है, तने का। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की। विल्बर क्या होता है? सघन वसा की परत। हल्दी के किस फल भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? सुखाया हुआ पिकंद। कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध परागम होता है? कोशिका झिल्ली। एक कोशिकीय पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य का परिवहन करना। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। विकास संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। जिस कृत्रिम पौध औषधि से सिनकोना की छाल को पित्ती स्थापित किया जाता है वह कौन है? क्लोरोक्विन। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। ठीक है, तो चलिए, जीव विज्ञान में कितने चैप्टर? 5 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये पांचवा था पादप कार्य की। अगली बात करेंगे हम पादप रोग के बारे में, आगे देखेंगे। ठीक है।